अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 मरला जो ये लेंटर पड़ा है तो इसके ऊपर कितना खर्च आता है, मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और ओवरऑल कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये जो इस वक्त लेंटर पड़ा है तो ये लेंटर जो ये प्लॉट है इसके जो डायमेंशन हैं वो है 54 इसकी चौड़ाई है और 50 इसकी लंबाई है, यानी कि 54x50। चलें गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि 10 मरला लेंटर डालने पर कितनी कॉस्ट आती है। तो ये जो भी ये मटेरियल कॉस्ट है तो ये ओवरऑल जो मैंने सारी नोट डाउन की हुई है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने इस घर का जो है वो डिज़ाइन शो किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी सजेशन आ रहा होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप मैप चाहते हैं 10 मरला डबल स्टोरी घर का तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलें लेंटर डालने वक्त जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सरिया, जिसको हम स्टील बोलते हैं। तो ये ओवरऑल जो सरिया यूज़ हुआ है ये है 2 टन, जिसको हम बोलते हैं 2000 kg। तो पाकिस्तान में तो प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती है, तो मैं आपको ओवरऑल ही प्राइस बताऊंगा वीडियो के एंड पर कि 10 मरला जो आप लेंटर डालते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट आप कितने आपको पे करना पड़ेगा। तो आजकल जो प्राइस चल रही है वो 180 रुपये पर केजी चल रही है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये आपने खुद ही इस चीज़ को का आइडिया लगा देना है। उसके बाद जो आ जाती है बजरी की, तो बजरी जो है वो हमने 800 क्यूबिक फीट जो है वो बजरी जो हमने मंगवाई है तो ये 80 रुपये क्यूबिक फीट हमें पड़ी है। तो 700 या 800 क्यूबिक फीट जो है ना वो बजरी ओवरऑल जो है ये 10 मरला जो लेंटर डल रहा है इसमें लग जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है सीमेंट बैग्स की, तो सीमेंट बैग्स जो है वो 130 सीमेंट बैग्स लग जाएंगे। तो इसकी भी जो है प्राइस वो अप्स एंड डाउन होती रहती है, तो जो हमें जो एक बैग पड़ा है वो 670 रुपये का एक बैग पड़ा है अभी। तो इसके बाद जो और जो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि अभी ये सरिया बांधा है तो ये स्टील की वायर है, तो 10 केजी जो है वो स्टील की वायर लगेगी। तो सरिया के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरिया जो है ये 12 mm यूज़ किया गया है, तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये जो बॉक्स का हमने साइज़ रखा है ये बॉक्स का साइज़ है 8 इंच बाई 8 इंच। तो इतना बॉक्स रखने का फ़ायदा ये है कि लेंटर में आ जाती है मजबूती। तो मैंने मेरी जितनी भी कंस्ट्रक्शन की वीडियोस हैं उसमें सारी वीडियोस में मैं आप ये बात ज़रूर बोलता हूं कि किसी चीज़ के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। घर लाइफ में एक बार बनता है, तो अगर आपने वहां पर अगर आपने रहना है तो आप अच्छा घर बनाएं, A+ मटेरियल आप यूज़ करें। कुछ लोग हैं इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, यानी ये 8 इंच बाई 8 इंच है, कुछ लोग कर देते हैं 12 इंच बाई 12, तो उससे भी लेंटर तो पड़ जाता है लेकिन ये है कि उसमें वो मजबूती नहीं आती। तो मेरे ख्याल से ये जो बॉक्स का साइज़ है ये बॉक्स का साइज़ बिल्कुल ठीक है, तो आप भी को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि यही आप साइज़ रखें। तो उसके बाद बात आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ये आप इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स देख रहे हैं, तो वो जो है हमने पाइप्स निकलवाए हैं बाहर आउटडोर के लिए, AC के आउटडोर। तो घर बनाते वक्त काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि ये अभी जो जितने भी आउटडोर्स हैं AC के वो सारे ऊपर आएंगे, तो अगर हम ये लेंटर में नहीं रखते तो उसका हमें नुकसान ये है कि फिर हमें दोबारा से कहीं
से जो है आउटडोर निकालना पड़ता है, उसका जो होल निकालना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब भी घर बनाएं तो मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन लें और फिर आप घर बनाएं। तो उसके बाद जो गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका जो ये अभी पाइप वगैरह पड़े हैं, जितना भी सामान है, ये आपका आ जाएगा 30 से 35 हज़ार रुपये तक। तो ये देखें जो साइज़ यूज़ किया गया है पाइप का, जो ये देखें, ये बड़ा यूज़ करें। और सबसे जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी लेंटर डल रहा हो तो आप ज़रूर सर पर हों, ठीक है। तो ये हमारे जो भाई हैं, जो मज़दूर भाई हैं, ये लेंटर तो डाल रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने ये फिल करके चले जाना होता है, क्योंकि इनके आगे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये है कि कल को अगर ये कोई पाइप आपका बेंड हो गया तो आपको नुकसान होगा, वायर वगैरह नहीं गुजरेगी। तो इसलिए जो है वो आप ज़रूर जो है लेंटर जब पड़ा हो तो आप जो है ज़रूर वहाँ पर हों, ताकि ये देखें कि कोई पाइप अगर बेंड तो नहीं हो रहा। अमूमन तो इलेक्ट्रिसिटी जो बंदा है जिसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो भी होता है, लेकिन उसको उसकी निगरानी में जो है आप भी जो है मौजूद हों, तो इन काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाद में वायर वगैरह नहीं गुजरती तो वो फिर वायर कहीं से ओपन लानी पड़ती है लेंटर से, यानी कि छत पर, तो इन सारी चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद आ जाती है रेत की। तो रेत जो है एक बड़ी ट्राली जो है वो इनफ होती है, मेरा ख्याल है। तो इसमें 5 सैकड़े से लेकर 7 सैकड़े तक होता है। तो ये मुख्तलिफ रेट्स हैं इसके। 5 सैकड़े की जो बड़ी ट्राली है वो तकरीबन 10 हज़ार की मिल जाती है। रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो ओवरऑल जो मैं लेंटर की कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, जिसमें जस्ट मटेरियल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके पास 10 मरला लेंटर की जो कॉस्ट होनी चाहिए आपके पास, जो आपके पास होना चाहिए 5.5 लाख। तो जी गाइस, ये जो मैंने 5.5 लाख बोला है तो ये जस्ट मटेरियल कॉस्ट है। इसमें जो है लेबर कॉस्ट नहीं है, शटरिंग जो वाले आते हैं वो कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा मिस्त्री मज़दूर जो लगते हैं ये भी कॉन्ट्रैक्टर की हेडेक होती है, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो 2 मिस्त्री 2 मज़दूर लगाता है। तो उसका जो काम होता है वो देखना होता है कि जो स्लैब है वो इक्वली फिल हो रही है, यानी कि ऐसे तो नहीं है एक साइड पर 6 इंच की है, दूसरी साइड पर 4 इंच की आ रही है, 5 इंच की आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद सरिया जो बांधने आते हैं वो कॉस्ट नहीं है। तो आपके पास ओवरऑल जो कॉस्ट होनी चाहिए वो आज की डेट में, आप मेरी वीडियो की जो डेट देख लें, आज की डेट में आपके पास 7 से 7.5 लाख होनी चाहिए। तो गाइस, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि 10 मरला जो घर का जो फर्स्ट फ्लोर का जो लेंटर है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।